संकेत सर, संकेत सर तू ना, वो वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। क्या कमेंट आ रहे हैं? कि आप प्लीज प्रीति मैम को प्रपोज करो ना, वो सिर्फ प्रैंक करना है। प्रैंक करना है? हाँ हाँ हाँ। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? तू निकल। पर आप करोगे ना? ऑफिस में जा। पर प्लीज प्लीज कर, निकल। हाँ ठीक है। प्रीति मैम को प्रैंक करो। नाटक है। संकेत सर ये देखो कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रीति को प्रपोज करके प्रैंक करो। अरे वाह। क्या बात है, बहुत अच्छा है ना। चल अभी निकल काम कर। तो प्रपोज कौन करेगा? प्रपोज अपना वो मंगेश है ना, दूध वाला मंगेश, वो करेगा। निकल इधर से। करो प्रपोज, करो प्रैंक, करो प्रपोज, करो काम, तो कोई गई नहीं रहा। पक्का ना? ए चल। संकेत सर, संकेत सर देखो ना कितने कमेंट आ रहे हैं। कौन से कमेंट आ रहे हैं? आप ना प्रीति मैम को प्रैंक करो ना प्रपोज करके। प्रैंक करो प्रीति मैम को? सर करो ना प्लीज, सर करो ना। अरे दिमाग मत खराब कर, प्लीज करो ना सर। निकल तू गाड़ी से, निकल निकल मेरी गाड़ी से, निकल। क्या सर? उतर। अरे सर। क्या रे विपिन? ऑफिस में जो गॉसिप चल रहा है, क्या वो सच है? क्या गॉसिप? अरे सर आप प्रीति मैम को प्रपोज करने वाले हो ना? प्रपोज? हाँ। मैं उसको प्रपोज करूँ? Obviously। और ये प्रैंक होगा ना? शायद हाँ। अभी तेरी इस महीने की सैलरी कट। अरे सर मेरा पहले से कटा हुआ है, अभी क्या काटने वाले हो? अरे ये काम है कि नहीं अपने ऑफिस में? सब लोगों को यही पड़ा है मैं प्रैंक करूँ प्रपोज करूँ। कर लो ना। चल निकल इधर से। फिर भी कर लो। सर 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 कर लो ना सर, कर लो ना सर, सर कर लो ना सर, सर कर रहा हूं मैं प्रपोज प्रीति को, करूंगा वो प्रैंक। फाइनली गाइज, सबके परेशान करने के बाद मैं रेडी हो गया हूं कि मैं प्रीति को प्रपोज करने वाला हूं, और वो भी प्रैंक होने वाला है। मजा आएगा ना प्रीति की रिएक्शन देखने के लिए। बट इस के लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लान के लिए मुझे उमेश की जरूरत है। तो गाइज मैं तो रेडी हो गया हूँ, और अभी प्रैंक के लिए एक और चीज की जरूरत है, वो है उमेश। एक सेकेंड, उमेश आ गया। तुमने बुलाया और हम चले आए। बोलो अभी, अभी सुन। हाँ आज करना हमें प्रैंक प्रीति को। हाँ तो उसको प्रपोज करने वाला है? यस। ओ मतलब Are you serious, संकेत? Yes, I'm serious. एक चल। अच्छा, ये उमेश और अक्षदा नहीं, ये प्रीति और संकेत का प्रैंक होने वाला है। ओके, प्रैंक नहीं, सॉरी, प्रपोज होने वाला है। किसे करने वाला है? ठीक है, तो अभी मैंने क्या सोचा है, अपना जो एक रूम है उसको डेकोरेशन करना है। अच्छा वाला एक तू डेकोरेट करेगा। वो अक्षदा के बर्थडे के व्लॉग में तीन फोटो लगाई थी तुमने, वही वही मैं डेकोरेट नहीं कर सकता। क्या सोचा है कि ना रूम में ना डेकोरेशन वाले आदमी को बुलाया मैंने, वो डेकोरेशन करेगा एकदम अच्छा वाला, रोमांटिक वाला डेकोरेशन। और मैं बताऊंगा कि ये मैंने किया है। समझ रहे हो? समझ रहे? समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे। अभी तुझे क्या करना है बोल। अक्षदा और प्रीति आएंगी, ओके, तो उनको बाहर ही रोके रखना है, ओके, हाँ, और उनको ना थोड़ा ऐसा सस्पेंस बिल्ड करके, वो कुछ तो कर रहा है रूम में, अंदर कुछ कर रहा है वो, कब से फुगा फुगा के उसके गाल सूज गए, और फिर उनको बाद में जब लाएगा तब उनको लगेगा कि मैंने किया डेकोरेशन। ओ समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो तू अब जा अंदर डेकोरेट कर रूम को। मैं नहीं करने वाला पागल, मतलब वो जो डेकोरेट कर रहा है उसको फुग्गा दे। जा, ऐसा लगा प्लान मेरा, अच्छा है ना? अच्छा तू जा, ये लोग आने वाले हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाय अक्षदा। हाय प्रीति। अरे ये दोनों कहाँ गए? अरे मालूम नहीं कब से अंदर बैठे हैं। वाओ तू बुक पढ़ने लग गई? अरे कहाँ प्रीति, दो ही पेज पढ़े और मुझे नींद आ रही है। तू कैसे इतने बड़े बड़े बुक पढ़ लेती है? लेकिन तुझे किसने बोला कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ? मतलब ये है पॉकेट एफएम, जो दुनिया का लीडिंग ऑडियो बुक, ऑडियो स्टोरीज और पॉडकास्ट ऐप है। इसमें ना रोमांस, ड्रामा, हॉरर, साइंस फिक्शन, इन सारी कैटेगरीज के बेस्ट सेलिंग बुक्स है। अरे प्रीति इतना टाइम किसके पास है? अरे अक्षता जब तू खाना बनाती है ना, तब तो आराम से ऑडियो बुक सुन सकती है। इससे ना तेरा टाइम भी बचेगा और तेरा नॉलेज भी बढ़ेगा। जीरो को देखता हुआ वीर मन ही मन सोचता है, हालांकि ये बात और थी कि वीर अभी भी थोड़ा एंग्शियस फील कर रहा था। अरे हाँ उमेश भी मुझे बोल रहा था उसे रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़नी है। अरे अक्षदा तो पॉकेट एफएम उमेश के लिए एकदम परफेक्ट ऐप है। जब वो ड्राइव पे जाएगा ना तो उसे बोल कि रिच डैड पुअर डैड बुक सुन लिया कर।
सरल शब्दों में कहा जाए, जब आपके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है तो आप पर डर या फिर लालच हावी होता है। मैं भी ना चाणक्य नीति शो है वो हमेशा सुनती हूँ, जिससे मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में ना डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होती है। पिंपली राज्य में आज राजा भीमदेव ने अपने दरबार में एक वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विद्यालयों के सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थी भाग ले रहे थे। अरे हमेशा बुक कौन सुन सकता है प्रीति? अरे अक्षिता, अगर तुझे बुक्स नहीं सुनना है ना, तो इसमें एक बहुत अमेजिंग फीचर है जो है पॉडकास्ट। यहाँ पे ना बहुत सारे मोटिवेशनल पॉडकास्ट है जो तू सुन सकती है, और उससे तेरा माइंड एकदम शांत रहेगा। वाओ, ये तो कितना अमेजिंग ऐप है। बडीज, आप अगर इस कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको मिल सकता है 50% डिस्काउंट। तो जल्दी से जाइए, पॉकेट एफएम ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हाय गर्ल्स, आया मैं? देख आ गया, आ गया ये। कहाँ पे था तू इतने टाइम से? मैं अंदर था, तयार हो रहा था, नया जैकेट लिया है मैंने अभी अभी। समझ में नहीं आ रहा तुम लोग ने ये क्यों बोला कि अच्छे से बन ठन के आना, क्या है? अरे आज वैलेंटाइन डे है ना। वैलेंटाइन डे है, कुछ प्लान कर रहे तू? इसलिए की प्लान करना है, इसलिए प्लान नहीं है, कुछ और प्लान है आज। लेकिन वो संकेत कहाँ पे? अरे मुझे भी नहीं पता, मैं तैयार एक घंटे से हो रहा हूँ, वो पता नहीं उस रूम में बैठ के क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? अरे रुक, बुलाओ सर। हाँ बुला ना। संकेत, ये संकेत इधर। आज वैलेंटाइन डे है ना, तो मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। किसके लिए? अरे सबके लिए किया है। दोस्तों को ऐसा, वैसे सरप्राइज है कहाँ? अरे वो रूम में मैंने बना के रखा है, अंदर रूम में। हाँ तो चलो चलते। हाँ, चलो दिखाता हूँ सबको। चलो चलो यार, एक सेकेंड। अंदर जाने से पहले प्रीति की आंखें बंद। हम आ गए है, चल देख। 3, 2, 1 गो। ये क्या है? और ये किसके लिए? मस्त है ना? तो संकेत तू बताएगा कि ये क्या है और ये एक्चुअली आज जैसे आपने देखा होगा कि हाँ, ये है वैलेंटाइन डे का डेकोरेशन, है ना? और कैसा लगा? अच्छा है ना, अच्छा है ना। गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, ओके, मैं सबके सामने प्रीति से कुछ कहना चाहता हूँ। प्रीति, जब से उमेश ने अक्षता को प्रपोज किया है ना, और उन दोनों की शादी हुई है ना, हम दोनों बहुत अकेले पड़ गए। तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों भी एक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्रीति और संकेत की जोड़ी भी बहुत अच्छी दिखेगी। तो थॉट के एंड वन सेकेंड, ओके प्रीति, आई लव यू, विल यू मैरी मी? नहीं, मैं नहीं कर सकती, ले वापस ले। अरे नो कैसे? Are you mad? देख ना क्या हुआ ऐसा? नो क्यों? अरे नहीं तो नहीं। अरे कैसे नहीं? मैंने इतना सारा डेकोरेशन करवाया, पैसा देके, ऐसा थोड़ी होता है, खर्चा हुआ है। तूने तो बोला था ये सारा डेकोरेशन तूने किया मेरे लिए। मतलब उसकी आंखों के सामने हुआ ना डेकोरेशन, उसने किया। बात नहीं है, पर तू नो क्यों बोल रही है? अरे सबको तो पता है ना कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार शौर्य से करती हूँ। शौर्य? अरे पर शौर्य से मैं भी तेरे जितना ही प्यार करता हूँ। अरे ये क्या लगा रखा है, मैं शौर्य से प्यार करता हूँ, उसका ठीक था। ये भी शौर्य से प्यार करता है और वो भी सेम प्यार करता है। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उससे। ये सब छोड़ो, पहले ये तो बताओ शौर्य है कौन? अरे हाँ, तुमने अभी तक शौर्य को देखा नहीं है ना? नहीं। अरे एक मिनट, वो ना बाहर ही है, मैं उसे कहती हूँ। वैलेंटाइन में वो इधर क्यों आया? वैलेंटाइन में इसलिए तो आया है, रुको।
फैलाती हूँ। अरे संकेत बता ना शौर्य कौन है? से रुक गया हम लोग, बता ना जल्दी। कम से कम सब्सक्राइबर भी कमेंट करेंगे शौर्य कौन है। दो मिनट रुको, आई रही है बाहर ही तो है शौर्य। ये है शौर्य। ये शौर्य है? ये शौर्य? ये शौर्य? ये शौर्य बेबी है? ये कोई लड़का है बड़ा? देखना बट मुझे समझ नहीं सिर्फ क्या हो रहा है। ये जो बेबी है ना शौर्य, ये प्रीति और मेरा बेबी है। मतलब अभी तक जो ये लोग सोच रहे थे कि तू प्रैंक प्रीति में कर रहा है, बट प्रीति में नहीं प्रैंक तो इन पे हो रहा था। बडीज बडीज बडीज, प्रैंक की बातें तो होती रहेंगी, आपको तो प्रैंक कर लिया हमने, बट सच्चाई ये है कि हम सबको पता है कि प्रीति और मैं मैरिड हूँ और हम लोगों का रियल बच्चा सर उसका नाम है शौर्य। सुनो सुनो, अब इतना इंटेंसिटी बढ़ गया ना, तो प्लीज प्रीति शौर्य का फेस तो दिखा। इस पर तो देखना ही चाहिए कि शौर्य कितना क्यूट है। कौन दिखा? ओह माय गॉड कितना क्यूट है। उमेश और अक्षदा ऐसे नाटक कर रहे थे पहले से कि उनको पता ही नहीं है शौर्य हमारा बच्चा है। तो मैं सारे पेरेंट्स को अप्रोच करूंगी कि आप जाइए और पॉकेट एफएम ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने बच्चों को ऑडियो बुक सुनाइए। इससे क्या होगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा और इनका स्क्रीन टाइम कम होगा। तो जल्दी से जाइए इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं।